सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। और अगर आप एक रेडमी नोट 10 प्रो या फिर प्रो मैक्स यूज़र हो या फिर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही की जाने वाली है। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन परचेस करने के बाद सबसे पहला हमारे दिमाग में ख्याल आता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये मेरा रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि आप देख सकते हो मैंने इसको परचेस करा हूँ व्हाइट कलर में। और आज इसके मैं टेम्पर्ड ग्लास के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा टेम्पर्ड ग्लास परचेस करना चाहिए, चाहे आप गेमर हो या फिर आप एक नॉर्मल यूज़र हो। आपको किस टाइप का टेम्पर्ड ग्लास आपके स्मार्टफोन के ऊपर लगाना चाहिए और कौन सी क्वालिटी का लगाना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में बात करूँगा। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो कंपनी तो इसके साथ एक TPU केस दे देती है, जो कि आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पीला होने लग गया है। मैं इसको अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। और स्मार्टफोन पर जब प्रोटेक्शन की बात करें तो ऊपर जो है ये जो एक थिन लेयर वाली एक पन्नी लगा के देते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं आता है, जो कि अगर आपका स्मार्टफोन गिरता सामने की तरफ से और थोड़ा लंबी हाइट से गिर जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपकी स्क्रीन भी डैमेज हो सकती है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेम्पर्ड ग्लास की बाइंग गाइड, जो कि रेडमी नोट 10 और प्रो मैक्स के लिए होने वाली है, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे ग्लासेस यहाँ पर रखे हुए हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा Redmi Note 10 Pro Max यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि 628 वाला वेरिएंट है, आप देख सकते हो। और अगर हम इसके टेम्पर्ड ग्लास बाइंग गाइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको गेमिंग टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल देखने को मिल जाता है, D+ देखने को मिल जाता है। सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके, जब से सबसे नॉर्मल वाले टेम्पर्ड ग्लास जो कि आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी टेम्पर्ड ग्लास बता रहा हूँ सभी के सभी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, आप इनको परचेस कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करें इसके 11D ग्लास की, जो कि आपको कुछ इस क्वालिटी में देखने को मिल जाता है, जो कि इस क्वालिटी में आता है। ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर जाएगा। इसके बाद आता है एक 13D क्वालिटी, जो कि कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन ये उतना ज़्यादा अच्छा आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा जितना कि बाकी के ग्लास आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि थोड़ी हैवी क्वालिटी में आते हैं। तो अब इन दोनों की तो बात हो गई, ये 11D और 13D ग्लास आते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। मेरे पास ये दूसरे मॉडल में, क्योंकि मैं इतने सारे ग्लास परचेस नहीं कर सकता, बाकी मैंने जो जो खरीदे हैं वो मैं आपको पूरे बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 11D और 13D यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें इसके थोड़े से हेवी ग्लासेस की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक गेमिंग ग्लास, जो कि है D+ एज मेट ग्लास, और ये काफ़ी बढ़िया ग्लास है अगर आप एक गेमर हो और अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन के तौर पर रेडमी नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स को यूज़ कर रहे हो तो ये ग्लास आपके लिए ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया सी मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, और इसका सबसे बड़ा आपको जो है एडवांटेज देखने को मिलता है वो इसके कॉर्नर्स के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एज कॉर्नर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको ब्लैक लेयर्स के साथ देखने को मिलता है। क्योंकि जो नॉर्मल मैट ग्लास आता है उसके अंदर आपको ब्लैक लेयर्स देखने को नहीं मिल जाती, और ये मार्केट में आपको 300 से 350 रुपये के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया ग्लास है। लेकिन इसका केवल और केवल एक ही डिसएडवांटेज है, जो कि है इसकी ये जो है स्क्रीन की क्वालिटी को जो डिक्रीज़ कर देता है, जो कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मेट के कारण ये क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देगा। कॉन्ट्रास्टी अगर आपका डिस्प्ले है, आपके जितनी भी विविडनेस है डिस्प्ले की, वो सबको जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिक्रीज़ कर देता है। और सबसे ज़्यादा धूप में दिक्कत जाती है कि अगर आपके स्मार्टफोन को धूप में लेके जाओगे तो आपका स्मार्टफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस की कमी देखने को मिलेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होगा। इसलिए मैंने ये वाला ग्लास मेरे स्मार्टफोन पर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ज़्यादा गेमिंग नहीं करनी है, मुझे नॉर्मल टास्क करने हैं और प्रोटेक्शन भी अच्छा होना। अब बात करते हैं इसके आगे वाले ग्लास की, जो कि है ये D+ ग्लास, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में देखने मिल जाता है। ये आपको मार्केट में 200 से 250 रुपये के बीच में देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। और इसी में एक और अच्छी क्वालिटी आती है, जो कि है बिग कर्व एज ग्लास, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और ये वाला टेम्पर्ड ग्लास मैंने जो है 250 रुपये में लगवाया मेरे स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं मैंने ऊपर इसकी पन्नी संभाल के रखी थी। तो अब हम बात करते हैं मेरे स्मार्टफोन के प्रोटेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये नोट 10 प्रो मैक्स यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इसके ग्लास बताता हूँ। तो ग्लास आप थोड़ा सा आपके स्क्रीन को जो है बड़ा करके देख सकते हो या फिर पॉज करके देख सकते हो, आपको दिख रही होगी कि एक लेयर आपको यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास की देखने को मिल जा रही है। और ये एज टू एज टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि आपको देखने को मिल जाता है, पूरा कवर करता है स्मार्टफोन को, पूरा नीचे तक के कवर करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी। बिल्कुल माइनर सा ही जो ये गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी इसलिए रखा जाता है ताकि आपका, अगर आप कवर लगाते हो कोई मोटा वाला,
तो आपका जो टेम्पर्ड ग्लास उखड़े ना। तो ये टेम्पर्ड ग्लास मैंने मेरे स्मार्टफोन के ऊपर लगवाया, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का टेम्पर्ड ग्लास आपको देखने मिलता है। काफ़ी बढ़िया सी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, कोई आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आप घर पर बैठकर भी जो है इसको अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी ईजी है, और बस आपको थोड़ा सा साफ करना है और आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने तो इसको शॉप से लगाया हूँ और काफ़ी बढ़िया सी क्वालिटी में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी स्मूथ है, गेमिंग भी मैं काफ़ी अच्छी से कर पाता हूँ इसके टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत पसीना आता है, लेकिन जो ओलिफोविक कोटिंग जिसको बोलते हैं, जो चिकनाहट का लेवल रहता है, वो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और ऐसा लगता ही नहीं है कि टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। अगर मैं इसका कैमरा खोलता भी हूँ तो आप देख सकते हो कि कैमरे में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, फ़ोटो बराबर से आती है। तो यहाँ पर फ़ोटो में भी कोई दिक्कत यहाँ पर देखने में नहीं मिलती। तो ये टेम्पर्ड ग्लास काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और आप अगर आपके पास Redmi Note 10 Pro या Pro Max है तो आप इस स्मार्टफोन के टेम्पर्ड ग्लास को परचेस कर सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पर मेनली जो दो क्वालिटी सबसे ज़्यादा बिकती है, अगर हम अच्छे प्रोटेक्शन की बात करें 11D और 13D को हटा दें, तो एक D+ बिकता है और एक D+ Edgemate ग्लास है। ये दोनों एक ही कंपनी के ग्लास है, और ये तीसरा ये जो ग्लास है ये भी इसी कंपनी का ग्लास है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे जो है ज़्यादा लेयर वाला लगा, इसलिए मैंने इसको लगाना प्रीफर किया, ना कि इसको लगाना प्रीफर किया। थोड़ा सा ये मुझे कम कर्व वाला दिखा, थोड़ा कम से कम एज टू एज वाला दिखा। और अगर आप एक गेमर हो और अगर आप आपकी ब्राइटनेस से स्क्रीन की जो क्वालिटी उससे जो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप ये ग्लास को लगा सकते हो बेझिझक होके। 300 रुपये में ये ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने सारे ग्लास को कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको रेडमी नोट 10 और नोट 10 प्रो मैक्स के लिए देखने को मिल जाते हैं। आई होप सो कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। सारे ग्लास की लिंक में जो है देने की कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप मार्केट में घूमोगे आपके ऑफलाइन शॉप्स के पास भी, तो आपको ये ग्लासेस जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इतना था इस वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।